press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. क्या आप भी मेरी तरह गोरा होना चाहते हैं? क्या आप भी अपना जल्दी से जल्दी फेस बिल्कुल चमकदार ग्लोदार बनाना चाहते हैं? तो मैं प्रिया, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मुझे Instagram पे भी जाके ज़रूर फॉलो करें। मेरी Instagram ID आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल रही होगी, तो प्लीज़ जाके उसको ज़रूर फॉलो करें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि बिना किसी क्रीम, बिना किसी फेस पैक, बिना किसी फेस वॉश से कैसे गोरा होए। हाँ दोस्तों, तो पहले तो मैं थोड़ा ये बताऊँ आपको कि हमारी जो स्किन है वो कैसे काली पड़ जाती है। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिए वीडियो के, मैं उपचार भी बताऊँगी इसमें जो कि आपने अपने घर में करना है। बहुत ही अच्छा है, मज़ेदार होने वाली है वीडियो। तो पहले मैं ये बताऊँ थोड़ा कि हम काले कैसे पड़ जाते हैं, हमारी जो स्किन है वो डल कैसे हो जाती है, डाउन हो जाती है बिल्कुल। क्या होता है, जो हमारी बचपन की स्किन है, जब धीरे धीरे हमारी ग्रोथ होती है हमारी उम्र के हिसाब से, तो वैसी स्किन नहीं रहती, बिल्कुल कोमल त्वचा, सॉफ्ट मुलायम त्वचा नहीं रहती। धीरे धीरे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारी स्किन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, चेंजेज आते हैं। जैसे टीन एज होती है तो उसमें हमारे मुँह में बहुत ज़्यादा पिम्पल्स हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। कुछ लोग तो क्या करते हैं, उन पिंपल्स को ऐसे पिचकते हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है उनके निशान रह जाते हैं हमारे फेस पे। हाँ दोस्तों, निशान रह जाते हैं कि हम बहुत सारी क्रीम भी यूज करते हैं, उसके ऊपर लगाते हैं, फिर भी हमारे निशान नहीं जाते हैं और उनके छोटे छोटे दाग से बन जाते हैं, जिससे हमारा फेस बहुत ही गंदा एंड भद्दा दिखता है और हमें शर्म भी आती है अपने फेस को लेकर, क्योंकि आजकल तो सब यही चाहते हैं मैं भी गोरा दिखूँ, गोरी दिखूँ। तो ये भी हमारी बहुत सारी गलतियाँ होती है। और हम बाहर जाते हैं धूप में, हम बाहर जाना अवॉइड तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें कॉलेज भी जाना है, स्कूल भी जाना है, ऑफिस भी जाना है और मार्केट में भी जाना ही होता है। तो क्या होता है, हम बाहर जाते हैं, गाड़ियों का धुआं, पॉल्यूशन, डस्ट, मिट्टी और सूरज की गर्मी पड़ती है, किरणें पड़ती है हमारे फेस पे, जो कि हमारे फेस को बिल्कुल ही काला बना देता है। लेकिन हमें ध्यान रखना होता है, जब हम बाहर जाते हैं तो अपने फेस को थोड़ा कवर करके जाएं। पर कुछ लोगों को इतनी जल्दी होती है कि वो अपने फेस को कवर करना भूल जाते हैं, जिसके कारण उनके फेस पे बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, डस्ट बैठता है और ड्राई सा हो जाता है चेहरा, रूखा सूखा सा, और एलर्जी वगैरह भी हो जाती है। तो उनको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आप लोगों को इतना अच्छा उपाय बताऊंगी जो कि आपने अपने घर में करना है, क्योंकि अपनी सेहत के साथ अपनी इसके साथ काम के साथ साथ हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होता है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें खाली पेट फ्रूट खाने चाहिए। हाँ दोस्तों, अगर हम फ्रूट नहीं खाएंगे तो हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से ठीक नहीं रहेगी, हमें फ्रूट भी खाने चाहिए। जब हम जैसे सुबह उठते हैं तो हम केला खा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, केले का छिलका लेना है और 5 मिनट तक आपने केले के छिलके की अपने मुंह पे अच्छे से मसाज करनी है। जैसे दूसरे दिन आपने ऑरेंज खा लिया तो आपने ऑरेंज के छिलके की भी आपने अच्छे से मसाज करनी है। एप्पल खा लिया, मैंगो खा लिया, ऐसे ऐसे जो फ्रूट खा लिया आपने, उन सब फ्रूट की आप छिलके की आपने अपने फेस पे 5-5 मिनट तक मसाज करनी है। अगर आप 1 हफ्ते तक लगातार इसकी मसाज करोगे तो आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, आपका फेस कितना गोरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये खुद पर ट्राई किया है दोस्तों, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी लोग होंगे ऐसे जो अपने कालेपन से परेशान होंगे या फिर पिंपल्स के निशान होंगे अपने चेहरे पे, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद उपचार है, नुस्खा है, तो आपने ज़रूर करना है। या फिर कोई थोड़ा बहुत सांवला है, वो भी अपनी स्किन को ज़्यादा गोरा बनाना चाहता है, मुलायम सॉफ्ट करना चाहता है, तो उनके लिए भी ये उपचार बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप 5-5 मिनट तक रोज़ सुबह फेस पे मसाज करोगे केले के छिलके की, मैंगो के, एप्पल के, ऐसे ऐसे बहुत सारे फ्रूट होते हैं, तो आपका चेहरा बहुत ही अच्छा हो जाएगा।
तापनीय उपचार जरूर करना है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें, और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और लाइक भी ज़रूर करें। तो बाय दोस्तों।